आज हम कक्षा 10वीं के टॉपिक एबी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि एबी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसे कहा जाता है एन पदों का योग। किसी भी एबी के अंदर एन पदों का योग जिसे एस एन कहते हैं। एस इसलिए कहते हैं क्योंकि एस का मीनिंग सम होता है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे क्या होना है कि क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझेंगे। फाइव टेन फिफ्टीन डॉट 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 फोर्टीन टर्म्स का हमें क्या पूछा है, सम पूछा है। चालीस पदों का हमें क्या पूछा है, योग पूछा है। तो ए की वैल्यू तो फाइव हो गई, डी की वैल्यू जो साल में तो होता है हमने माइनस करके निकाल लिया, टेन माइनस फाइव यानी फाइव, और चालीस पदों का योग पूछा है तो एन का मान कितना हो गया, चालीस। ये हमारा एन एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है, जहाँ एन की जगह हमने चालीस रख दिया, ए की जगह फाइव रख दिया और डी की जगह क्या रख दिया, फाइव। ये ट्वेंटी टेन कैंसिल हो गया, टेन बन गया, थर्टी नाइन इंटू फाइव वन नाइनटी वन नाइनटी फाइव, इनको एड कर दिया तो टू जीरो फाइव, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो फोर वन जीरो जीरो। इस टाइप के प्रश्नों से किसी भी एपी के कितने भी पदों का योग ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला फिक्स है, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले की सहायता से। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को एक अन्य विधि से और किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि ये एपी जो सीरीज होती है वो सीरीज नहीं देके डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इससे अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा सही लगता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट यदि वैल्यू दी गई है कि यदि a बराबर 10 है, d बराबर 4 है, तो s 10 पूछा है। s 10 का मतलब 10 पदों का योग पूछा है। सम ऑफ nth टर्म्स, देखते हैं क्या होता है। 10 पदों का योग पूछा है तो हमने सबसे पहले हमें a और d लाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से a और d अवेलेबल है। Sn बराबर n बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह हमने 10 रख दिया, ए की जगह हमने सॉरी एन की जगह 10, ए की जगह 10, एन की जगह फिर 10 और डी की जगह 4। ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, ये 20 बन गया, 9 रह गया, 9 इंटू 4 36, 56 इंटू 5 280 जीरो। इस हिसाब से एच 10 का मान 280 आ गया, इधर एच 40 का मान कितना आया था, 4100। इस प्रकार से हम किसी भी एपी के एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हमें पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से हम उसे बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है लेकिन इसका सूत्र हमारा जो है वो फिक्स है, इसकी सहायता से हम इसे आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं।